कक्षा 11 के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो पेपर है ना वो 21 मार्च के दिन है, इतिहास का पेपर। चलिए मैं आपको एक ऐसा पेपर सोल्व कराता हूं जो आपके जिले में आने की संभावना ज्यादा है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूं, नहीं देखा है तो देखना है। कोई से भी नहीं, आपके पास ए सेट आए, बी आए, सी, डी, ई, सब तरह के पेपर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप तो बढ़िया से तैयारी करो। चलिए तो शुरू करते हैं। रोमन साम्राज्य की जो राजकीय भाषा थी वो क्या थी? लैटिन। पेपायरस है, पेपायरस क्या है? एक पौधा है। चंगेज खान का प्रारंभिक मूल नाम क्या था? तेमुजिन उसका नाम था। केथेड्रल नगर में, नगर किस देश में है? तो फ्रांस में स्थित है। वैसे मैंने पूरी चीजें भर भी दी है ताकि आपको कम समय में जानकारी मिल जाए, क्योंकि सॉल्यूशन पूरा देखेंगे अपन, है ना। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था रोजर बेकन ने। नानकिंग की संधि हुई थी 1842 ईस्वी में। अगला है रिक्त स्थान। ओल्ड टेस्टामेंट बाइबिल पुस्तक का भाग है। किसका है? बाइबिल पुस्तक का भाग है। रोम आधुनिक इटली में स्थित है। मंगोल यायावरी समाज जो है वो सर्प समाज से संबंधित है। सामंती व्यवस्था में शोषित वर्ग कृषकों का था। और इसके बाद में अपना जाएगा द लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार थे माइकल एंजिलो। ठीक है, यहाँ से अपना 1888 ईस्वी में था सोगुन चीन का शासक। अब आपका देख लीजिए अगला असुर बल बनीपाल, इसका आपका आ जाएगा यहां से। देखिए सही जोड़ी है ना, तो पहले का आपका सही जोड़ी में आ जाएगा ये, यहां से भराएगी आपकी सही जोड़ी असीरिया आ जाएगा, है ना। दूसरा जो है उसका रोमन दार्शनिक आ जाएगा ये। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, इधर से देखते हैं, सीने का है। यास, यास का चपका जाएगा यहां से, चंगेज खान की विधि संहिता। चौथा है आपका ठीप, ठीप आ जाएगा लार्ड, यहां से देखिए ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना आप, बार बार बदलना है। ठीक है, ये आपका चौथा हो जाएगा यहां से। पांचवी की बात करें अपन, और ये कैथोलिक आपका छठा रहेगा, ये आपका चौथा जाएगा, और न्यू साउथ आपका सातवां आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो आप इसका इतना। ठीक है, ये यहां से, और जिसके बाद में यहां से, ये आपका पांचवा जाएगा। अब है आपका मेसोपोटामिया में हेगिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था? नेबुजा रेजार ने। थोड़ा सा छोटा करेंगे। पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती है? पेपायरस से। मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से दिया जाता था? मोंक। होपी किस प्रकार का समुदाय था? आदिवासी। अफीम का युद्ध किस का संबंध किस देश से है? चीन। पहला अफीम युद्ध हुआ कब हुआ था? 1840 ईस्वी में। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। ये देख सकते हैं इतना हो गया है। मेसोपोटामिया, ये देखेंगे यहाँ से, मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, असत्य हो जाए। रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, असत्य है। मंगोल यायावरी समाज से संबंधित था, सत्य है। ठीक है, इसके बाद में आपका चर्च द्वारा किसानों पर लिए जाने वाला कल तीर्थ कहलाता है। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था पर भूमि पर आधारित थी, सत्य हो जाएगा। सोगुन चीन का शासक था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इतना, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, मेसोपोटामिया में सभ्यता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखनी है। हम्मुराबी की विधि संहिता की विशेषताएं बताइए। इसके बाद में आगे देखते हैं मेसोपोटामिया की लेखन की विशेषताएं। किलकार लिपि से आप क्या समझते हैं, विशेषताएं बतानी है। रोम के संदर्भ में गणतंत्र की व्यवस्था, थोड़ा सा छोटा करना दो, ये हो गया। चंगेज खान कौन था, यास के विषय में आप क्या जानते हैं? सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कोई दो विशेषताएं बताइए। मोनेस्ट्री शब्द का अर्थ बताना है। तुर्को ने कसुंतनिया पर क्यों और कब अधिकार किया था? इटली पर किन्हीं दो नगरों के नाम लिखिए जो उच्च शिक्षा के केंद्र थे।
यहाँ पर हम बात करेंगे पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण से आप क्या समझते हैं? पुनर्जागरण के विकास से में साहित्य की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेटिव शब्द का अर्थ समझाइए। सेटलर शब्द का से आप क्या समझते हैं? अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में गोल्ड रश के क्या के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। कन्फ्यूशियस की विचारधारा में चीनी लोगों पर क्या प्रभाव डाला? मेजी पुनर्व्यवस्था से क्या तात्पर्य? जापान में इस प्रकार का क्या प्रभाव पड़ा? रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति का वर्णन करना है। रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। हो गया क्वेश्चन नंबर 16 तक। यास की अवधारणा